दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। महामारी 2021 के इन ऐतिहासिक ओलंपिक खेलों में देश का पहला मेडल लाई है सिखौम मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत इन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इन्हें आप सभी को, समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरतलब ये भी है कि भारत से वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी। इससे पहले वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। जीतकर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बेचैन जरूर थी, पर ये 5 सालों से मेरा सपना था। उनके संघर्ष की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। कहानी बताएंगे हम आपको, पर उससे पहले ये जरूर कह दे कि हम आशा करते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से आई मीराबाई चानू की इस जीत से उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों के खिलाफ नस्ल भेद खत्म हो जाएगा, अवेयरनेस आएगी शहरों के लोगों में। अधिकतर खिलाड़ी वहाँ आदिवासी समाज से आते हैं, उन्हें बड़े शहरों के लोग चिंकी चिंकी बुलाकर परेशान करते हैं, ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं। इस जीत से आशा करते हैं कि हम बड़े शहरों वालों का जातिवाद खत्म हो। मीराबाई चानू मणिपुर साथ में हाल ही में चल रहे क्रिकेटर्स के जातिगत टिप्पणियों के विवाद को अगर देखें तो जिसमें सुरेश रायना ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं और रविंद्र जडेजा ने कहा मैं राजपूत बॉय हूं, इस पर प्रोफेसर दिलीप सिंह मंडल ने कहा है कि अगर ओलंपिक मेडल विजेता मीराबाई चानू भी रायना और जडेजा की तरह अपनी जाति बताए और कहे कि मैं मैतेई हूं, गर्व से कहो हम ओबीसी हैं, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन नहीं, वे ऐसा कभी नहीं कहेंगी। वे अपनी भारतीय पहचान को पहली और आखिरी पहचान मानती हैं। बधाई रायना और जडेजा की तरह वो तो अपने माथे पर जाति चिपका कर नहीं घूम रही हैं, यही फर्क है। मीराबाई चानू मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के नोंगपेक काकचिंग गांव से आती हैं। परिवार की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बचपन में वो लकड़ियों का गट्ठर उठाती थी, काम करती थी। जब उन्होंने वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू करी तो उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी नहीं थी कि उन्हें एक खिलाड़ी की खुराक दे पाए। रोज चिकन और दूध की खुराक लेना भी मुश्किल था उनके लिए। गाँव से 50-60 किलोमीटर दूर उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था रोज़। ये दुर्भाग्यपूर्ण ज़रूर है कि देश में इतनी गरीबी सहनी पड़ती है, पर इसके बावजूद कठिनाइयों से लड़कर साहस के साथ वो आगे बढ़ती रहीं वेट लिफ्टिंग के खेल में। 2016 में रियो ओलंपिक्स में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, काफ़ी निराश थी वो अपने आप से बताया जाता है। उसके बाद उन्होंने ऐसी जी तोड़ मेहनत की है कि पिछले 5 साल में वो केवल 5 हफ्ते ही घर गई हैं। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। अपने बेहतरीन खेल के लिए वो पद्मश्री सम्मान और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी पा चुकी हैं। अंत में ये ज़रूर कहेंगे कि अगर इन पर भी कोई फिल्म बनती है, जैसे कि भारत की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर मैरी कॉम पर बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने किरदार निभाया था, वो भी एकदम नस्लभेदी हरकत थी। पर अगर अब फिल्म बने तो उसमें बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री को ना लेकर किसी उत्तर पूर्वी राज्य की अभिनेत्री को ही लिया जाए, हम ऐसी आशा करते हैं। तो आपको फिर से ढेर सारी बधाई इस शानदार न्यूज़ को, इनके शानदार संघर्ष को हमारा सलाम। आप भी इन उनके संघर्ष की ये कहानी सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सबको ज़रूर अवगत कराइए। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।